बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबकी हर दुआ हर उम्मीद पूरी करें और मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। तो जी, आज कराई है हमने बच्चों की छुट्टी, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है कुछ आई इन्फेक्शन, तो हमने सोचा बच्चों को घर में ही रख लिया जाए कुछ दिन के लिए। और ये मेरा बेडरूम अभी है गंदा गंदा सा। अभी वक्त हुआ है तकरीबन 8 बजे का और मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ ताकि वो नाश्ता करके ऑफिस चले जाएं। आज मैं बनाऊँगी उनके लिए ऑमलेट, और आज मैं उन्हें ब्रेड और ऑमलेट देने वाली हूँ नाश्ते में। और ये जो इतनी थोड़ी सी सब्ज़ी आप देख रहे हैं ना, ये कभी हमें कोई सब्ज़ी लिया करते थे ना तो उसके साथ फ्री में इतनी सब्ज़ी तो मिल जाया करती थी आराम से, लेकिन आज ये सब्ज़ी 150 रुपये की मिली है। इतनी सी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और 3 टमाटर। चलें जी, वक्त वक्त की बात है। खैर, मैंने सोचा कि आज ऑमलेट में थोड़ा सा टमाटर भी ऐड करूँ और हरा धनिया भी ऐड करूं, और मैंने इस तरह करके एक सिंपल सा ऑमलेट बना लिया। इसमें नमक मिर्चें डाली हैं, नमक मिर्चें और ये 3 वेजिटेबल्स, और 2 eggs का ऑमलेट बनाया है ये। देसी घी में इनके लिए ऑमलेट बनाया ताकि ये थोड़ा सा एनर्जेटिक सा नाश्ता करके जाएं। और चाय दी ने, चाय बेसिकली दूध पत्ती ही होती है हमारे घर में, वो दी। और ये मैं एक मॉप लाई थी जिसका मैं जायज़ा ले रही थी सलमान के ऑफिस जाने के बाद। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, उम्मीद है इससे सफाई काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अभी खोल के भी दिखाती हूँ आपको। इस तरह का है लंबा सा, और काफ़ी प्रेशर से इससे टाकी दिल जाएगी, टाकी पोचा जो भी आप लोग कहें। आप लोग क्या बोलते हैं इसे, टाकी मारना कहते हैं या पोचा लगाना कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग फ्लोर मॉपिंग को उर्दू में? और अभी हाँ उठ चुकी थी, जो कि अब कंप्यूटर ले रही थी, कंप्यूटर पे बैठी थी, तो मैंने सोचा उसे थोड़ा सा कुछ खाने को दे देती हूँ ताकि वो भी थोड़ा सा खा पी ले। और नाश्ता तो बनाऊंगी जब हाद हसीब उठ जाएंगे, फिर ही एक दफ़ा बनाऊंगी हाद हसीब अपना और अपनी बेटी का नाश्ता। दूध वाला भी आ चुका था और गैस जा चुकी थी, तो मैंने सिलेंडर पर ही दूध को बॉईल करके ढक के रख दिया। और बच्चों का भी नाश्ता हो चुका है। अब मैंने बच्चों को थोड़ा सा केक दिया है और उसके साथ मैं इन्हें दूध दूंगी। ये नाश्ते के बाद थोड़ा सा चुटपुट है जो मैं उन्हें दूंगी,
और दूध निकाल के फिर मैंने बाकी जो बचा हुआ है वो मैंने रख दिया फ्रिज में। अब ये शाम 5 बजे का वक्त है। शाम 5 बजे हमारे यहाँ हमारी तरफ गैस काफ़ी अच्छी सी आ जाती है कि आप आराम से कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, वरना तो दिन में बहुत हल्की हल्की सी आती रहती है। तो फिर मैं बना रही हूँ आज बिरयानी, और बिरयानी मैं किसकी बना रही हूँ, कल जो मैंने टॉर्टिलाज बनाए थे बीफ के, उसका जो बीफ था वो पड़ा है मेरे पास, मैं उसे ज़ाया नहीं करूँगी, मैं उसी की बिरयानी बनाऊँगी। इसके लिए मैंने कर ली है थोड़ी सी प्याज फ्राई, इसे मैं ज़रा डार्क ब्राउन करूँगी क्योंकि बिरयानी में ज़रा डार्क ब्राउन सी प्याज ही सही लगती है। और गैस फिर से कम हो गई थी तो फिर मैंने एक चीज़ को शिफ्ट कर दिया सिलेंडर पर, और एक चीज़ चावल बॉयल करने मैंने चूल्हे पर रख दिए। यहाँ पर मेरी अनियंस जो हैं वो ब्राउन हो चुकी हैं, और ये जो है अनियंस का बचा हुआ ऑयल, इसमें मैंने कल वाला बीफ डाल दिया है जो कि 100 बीफ था, जिसे मैंने टॉर्टिलाज में भर के टॉर्टिलाज बनाए थे या टाकोस बनाए थे। आप लोग देखिएगा मेरी वो वीडियो भी, आप लोगों को पसंद आएगी, फुल रेसिपी है टाकोस की। यहाँ पे मैं बॉईल कर रही हूँ राइस, एक कनी छोड़ के राइस बॉईल करूँगी। राइस में प्लेन वाटर में सिर्फ नमक डाला है, सॉल्ट ऐड किया है, और मैं अब राइस बॉईल करके फिर इन्हें छलनी में छान लूँगी। मेरे ख्याल में बिरयानी की सारी जान ही ना चावलों के बॉईल करने में है, आपका क्या ख्याल है? अगर चावल ज़रा ज़्यादा गल जाएँ, ज़्यादा कुक हो जाएँ, तो फिर बिरयानी एकदम से बैठ सी जाती है, क्या कहते हैं आप लोग? और ये है जी वो बीफ, इसमें मैं दही डालूंगी, और इसमें मैं डालूंगी बिरयानी मसाला। ये याद रखें कि ये वाला ये वही बीफ है जो कि मैरिनेशन के बाद पका था, इसमें मसाले ऑलरेडी हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें बिरयानी मसाला डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, ठीक है? और इसमें अनियन जाएगी इसके बाद, जो कि मैंने फ्राई करके रखी हुई है। इसके बाद मैं इसे भून लूँगी और ये अच्छा सा हमारा बिरयानी के लिए तैयार हो जाएगा, सालन जो भी कहेंगे, इसे सालन ही कहेंगे बिरयानी की तह लगाने के लिए हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और मेरा जो है ये हंटर बीफ जो मैंने टाकोस के लिए बनाया था, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था, तो वो भी बच के ज़ाया नहीं होगा, मैंने इसे यूज़ कर लिया। आप बताएं, मेरी बहनें बताएं कि आप लोग भी ऐसे करती हैं, कोई सालन ज़्यादा बचा हुआ हो तो फिर उसकी जुगाड़ निकालें कि वो किसी ऐसे तरीके से, अच्छे तरीके से उसे रीयूज़ करें कि वो ज़ाया ना हो बल्कि वो खा ही लिया जाए, कैसे करती हैं आप लोग भी ये सिंपली मैंने लेयर्स लगा दी, राइस, फिर ग्रेवी, फिर से राइस, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी बिरयानी मसाला, और उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ज़रदा रंग। और इस तरह से ये गई बिरयानी दम पर, और फिर मैंने बना ली चटनी। चटनी में डाला है मैंने हरा धनिया, पुदीना, ज़्यादा सारी हरी मिर्चें, 2 टमाटर, 1 अनियन यानी कि प्याज, और इसमें जाएगा ज़ीरा, नमक, ज़ीरा और नमक, ठीक है? ये चीज़ें डाल के ये ब्लेंड कर लूँगी और ये आला किस्म की चटनी हो जाएगी रेडी। और हाँ,
इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी ज़रूर डालूंगी, उससे भी बड़ी अच्छी रहती है चटनी, स्मूथ और बिल्कुल भी काली वगैरह नहीं होती और जल्दी ख़राब नहीं होती, इसकी ना लाइफ बढ़ जाती है। आप लोग बताएं, आप लोग क्या क्या डालते हैं अपनी चटनी में, क्या क्या मसाले डालते हैं और क्या क्या वेजिटेबल्स डाल के फिर बनाते हैं चटनी? ये हरे धनिया पुदीने वाली चटनी की बात कर रही हूँ, ये आप लोग कैसे बनाते हैं? यही सब कुछ डालते हैं या कुछ डिफरेंट है आप लोगों की रेसिपी? और साथ ही ये दम खुल चुका है मेरी बिरयानी का और ये बहुत ही लजीज बनी थी, बहुत यम्मी, मज़ा आ गया। मैंने सोचा बहुत अच्छा किया कि मैंने उस गोश्त को वेस्ट नहीं किया, मैंने उसकी बिरयानी बना ली। आई लव इट। आप मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग, और मुझे बताइएगा कि मुझे अपने व्लॉग में क्या क्या चेंजिंग करनी चाहिए जिससे लोगों को पसंद आए ये व्लॉग, मुझे क्या क्या अपने व्लॉग में बेहतरी लानी चाहिए, मुझे ज़रूर अपनी सजेशंस दीजिएगा, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी लवली प्यारी प्यारी बहनों, टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।